हेलो दोस्तों, अगर आप भी व्हाट्सएप यूज करते हो और आपको लगता है कि कहीं आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं हो चुका है, कहीं आपका जो भी पर्सनल फोटो वीडियो या जो भी पर्सनल चैट है कहीं लीक तो नहीं हो रहा है, कहीं आपका दूसरा पर्सन कोई भी दूसरा पर्सन कहीं आपके व्हाट्सएप पे नजर तो नहीं बनाया हुआ है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हो कि कहीं आपका व्हाट्सएप हैक है या नहीं। अगर आपका व्हाट्सएप हैक है तो आप कैसे उस मतलब हैकर से बच सकते हो। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नोटिफिकेशन को ऑन कर दे, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन ऐसे ही रिलेटेड वीडियो आते रहते हैं। और आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दो ट्रिक बताऊंगा और दोनों ट्रिक को अगर आप पूरे लास्ट तक वीडियो को देखते हो विदाउट स्किप किए तो आप 100% यहाँ से पता कर सकते, मतलब आपका व्हाट्सएप हैक तो नहीं हो चुका है। और वीडियो का लास्ट में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को और जिस सेटिंग को अगर आप ऑन कर दे रहे हो तो आपका जीवन में भी कभी भी व्हाट्सएप हैक नहीं होगा, वो कैसे भी बड़ा हैकर क्यों ना हो। चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के प्ले स्टोर को ऑन कर लेना है। जैसे आप अपने फोन के प्ले स्टोर को ओपन कर लोगे तो यहाँ पर आपको सबसे पहले सर्च कर लेना है व्हाट्सएप। जैसे आप यहाँ पर व्हाट्सएप सर्च कर लोगे तो यहाँ पर अगर आपका व्हाट्सएप अपडेट नहीं होगा तो सबसे पहले आपको व्हाट्सएप को अपडेट कर लेना है। जैसे आप यहां से व्हाट्सएप को अपडेट कर लोगे तो यहां पर जो भी आपका सेटिंग होगा वो 100% वर्क करने लगा। तो यहां से मैं व्हाट्सएप को अपडेट कर लिया, उसके बाद यहां पर सबसे पहले मैं व्हाट्सएप को ओपन कर ले रहा हूं। यहां पर जैसे ही आपको व्हाट्सएप पे ओपन कर दूंगा तो यहां पर मैं आपको जो भी पहला ट्रिक बताऊंगा और जो भी दूसरा ट्रिक बताऊंगा उस दोनों ट्रिक को आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है। और यहां पर देखना है कहीं मतलब आपके फोन में कहीं दूसरा बंदा तो यहां पर पूरा जो भी आपका पर्सनल चैट फोटो वीडियोज होता है वो रीड तो नहीं कर रहा है, मतलब वहां से देख तो नहीं रहा है। तो सबसे पहला ट्रिक है, यहाँ पर आपको सबसे पहले ट्रिक के लिए यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऊपर आपको क्लिक करना है जो सबसे ऊपर है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा यहाँ पर 3rd नंबर पर लिंकेड डिवाइस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर देखने को आपको मिल रहा होगा यहाँ पर मेरे व्हाट्सएप में एक विंडोज आपको शो हो रहा होगा। अगर आपको भी मतलब व्हाट्सएप में ऐसा कोई मतलब विंडोज या कोई भी एंड्रॉयड फोन का जो भी नेम होता है यहाँ पर अगर आपका शो हो रहा है तो आपका व्हाट्सएप हैक हो चुका है, मतलब इस विंडोज में मेरा जो भी व्हाट्सएप में यूज करता हूँ वो भी वहाँ पर भी यूज होता है। लेकिन ये मेरा खुद का लैपटॉप है इसलिए मैं यहाँ पर जो भी मेरा विंडोज है ये मैं लॉग इन कर रखा हूँ, वहाँ पर भी मैं व्हाट्सएप को यूज किया हूँ। तो ऐसे तो मतलब अगर आपके फोन में मतलब यहाँ पर शो हो रहा है, अगर आपका मतलब कोई भी लैपटॉप नहीं है तो समझिए आपका मतलब जो भी व्हाट्सएप है वो हैक हो चुका है। तो सबसे पहले इसको हटाने के लिए आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको लॉगआउट का एक ऑप्शन मिलेगा रेड कलर का, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ से आपका व्हाट्सएप लॉगआउट हो जाएगा। ये था पहला ट्रिक, इस ट्रिक से भी आप पता कर सकते थे कि आपका व्हाट्सएप हैक था या नहीं। चलिए तो मैं आपको दूसरा ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले दूसरे ट्रिक के लिए यहाँ पर आपको सेटिंग्स में चले आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा अकाउंट का, तो आपको जैसे ही अकाउंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारा ऑप्शन शो हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा ईमेल एड्रेस का, यहाँ पर आप देख सकते हैं ईमेल एड्रेस का एक ऑप्शन है। सबसे पहले आपको इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ईमेल शो होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेना है कि जो भी यहाँ पर ईमेल एड है वेरीफाई है, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी यहाँ पर ईमेल होगा वो वेरीफाई होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी ईमेल वेरीफाई होगा वो आपको चेक कर लेना है कि आपका ही ईमेल तो है ना। अगर यहाँ से किसी भी दूसरे पर्सन का ईमेल यहाँ पर वेरीफाई है तो आपको यहाँ से एडिट कर देना है और अपना ईमेल यहाँ से आपको सेव कर देना है। ये था दोनों ट्रिक, इस दोनों ट्रिक से आप पता कर सकते हो कि आपका व्हाट्सएप हैक है या नहीं। चलिए तो मैं आपको बताता हूँ वह सेटिंग जिसके ऑन करने के बाद आपका व्हाट्सएप कभी भी कोई भी पर्सन हैक ही नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको 3 डॉट के ऑप्शन में चले आना है, सेटिंग्स में चले आना है। सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा चैट्स का, यहाँ पर जैसे आप चैट्स वाले ऑप्शन पे आ जाते हो तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा कीप चैट एचिव का, इसको भी आपको ऑन कर देना है। जैसे आप इसको ऑन कर देते हो तो यहाँ पर भी फिर से आपको नीचे आना है। थोड़ा सा नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टोरेज एंड डाटा का, स्टोरेज एंड डाटा का ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको जो भी प्रॉक्सी यहाँ पर एक ऑप्शन मिला होगा प्रॉक्सी का, यह अगर आपको ऑफ दिखा रहा है तो यहाँ पर आपको ऑफ ही रहने देना है। अगर आप इसको ऑन करते हैं तो फिर आपका व्हाट्सएप हैक हो सकता है। चलिए तो यहाँ पर फिर से आपको आना है यहाँ पर प्राइवेसी वाले ऑप्शन में। जैसे आप यहाँ प्राइवेसी वाले ऑप्शन पे आ जाते हो तो यहाँ पर आपको नीचे सबसे नीचे आना है और यहाँ पर आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट सेटिंग मिलेगा एडवांस का, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगा प्रोटेक्ट आईपी एड्रेस इन कॉल्स का, तो सबसे पहले आपको इसे ऑन कर देना है। अगर आपके व्हाट्सएप में ये 100% ऑफ होगा
तो सबसे पहले आपको इसे ऑन कर देना है। जैसे आप इसे ऑन कर दोगे तो आपके पास कोई भी आपका व्हाट्सएप पे कोई भी फेक लिंक नहीं भेजेगा। अगर आप किसी भी फेक लिंक पर क्लिक कर देते हो तो ऑटोमेटिक आपका व्हाट्सएप उस पर्सन के मतलब हैक हो जाता है और आप काफी परेशान हो जाते हो और यहाँ पर आपका जो भी पर्सनल फोटो वीडियोज है वो लीक हो जाता है। इस ट्रिक से आप